हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। अपडेट ये है कि इस साल यूपी स्कॉलरशिप का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी 75% होगी। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आपको पूरा रूल बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट देने वाला हूँ IIT लखनऊ की, जिसमें आप लोग साफ साफ पढ़ सकेंगे 75% का रूल क्या है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपको लाइव अपडेट दिखाते हैं, यानी कि जो ऑफिशियल अपडेट है ट्विटर की, प्लस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में। सो गाइज, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित लेटेस्ट जानकारी कहाँ से ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही आप इस पेज पे पहुँचेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप 2021 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एक न्यू पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं, जहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्लस आप लोग यहाँ से अपना फॉर्म लॉगिन भी कर सकते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का, प्लस आप लोग यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। सो गाइस, चलिए चलते हैं अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, आपको बताते हैं 75% वाला रूल क्या है और किन छात्रों पर ये लागू होने वाला है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग ये ट्विटर का ट्वीट देख सकते हैं, जो IIT लखनऊ यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल ट्वीट है रिगार्डिंग मोर देन 75% अटेंडेंस मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन 2021-22। और ये ट्वीट 8 अक्टूबर 2021 को किया गया था ऑफिशियल अकाउंट से, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, यानी कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है अगर आपको यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट चाहिए। प्लस आप लोग ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ की तरफ से जारी किया गया है 5 अक्टूबर 2021 को। अनुरोध है कि अपने विभाग में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की उपस्थिति 100% के लगभग हो, ये सुनिश्चित करने की कृपा करें, क्योंकि समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई छात्रवृत्ति नियमावली 2021-22 में दिए गए व्यवस्था के अनुसार शैक्षिक स्तर 2021-22 में 75% या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र को ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमान्य होगी। संस्था द्वारा उन्हीं छात्रों का फॉर्म अग्रसारित किया जाएगा जिनकी अटेंडेंस 75% या उससे अधिक होगी। 75% से कम उपस्थिति के कारण अग्रसारित न किए जाने की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित छात्र छात्रा का होगा। छात्रवृत्ति प्राप्त होने के बावजूद उपस्थिति 75% से कम है तो ऐसे छात्र छात्रों को छात्रवृत्ति वापस करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपको लाभ मिल जाता है और आपकी अटेंडेंस 75% से कम है तो आपको स्कॉलरशिप वापस करनी पड़ेगी। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी 75% से अटेंडेंस कम है तो आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं किया जाएगा। और यहां पे आप लोग ये सिग्नेचर भी देख सकते हैं, अधिष्ठाता छात्र कल्याण 5 तारीख 10वां महीना 2021 के सिग्नेचर है और ये है IIT लखनऊ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइज, आप लोगों ने जैसा कि देखा 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है या उससे कम है तो आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज लेवल से वेरीफाई ही नहीं किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका फॉर्म पहुंचेगा ही नहीं, और अगर वहां पे पहुंचेगा नहीं तो वेरीफाई नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने की, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा, जो भी आपकी पहले ऑनलाइन क्लासेस चली थी और जो अब ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, और आपकी जो अटेंडेंस है वो मिनिमम 75% होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं किया जाएगा। ये अपडेट आप लोग ट्विटर पे भी देख सकते हैं, प्लस IIT लखनऊ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया, जिसमें उन्होंने कह रखा है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो टाइम टेबल आया है सेशन 2021-22 का, उसमें भी ये अपडेट दे रखी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो परसेंटेज रूल है वो क्लास 12 के बेस पे देखा जा रहा है, 60% होगी तो भी आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।